हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के सभी शेयरों की, यानी कि 11 शेयरों की, 10 नहीं बल्कि 11 शेयर। यहां पर जो है एक आध दो में जो है करेक्शन है, बाकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी सभी में तेज़ी है। तेज़ी की वजह क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज, कल और परसों सभी अदानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, कहाँ तक जा सकते हैं पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो। साथ साथ कई अदानी ग्रुप की कंपनी के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, जैसे अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, या अदानी पावर के अंदर जो है 640 के ऊपर हमने शॉर्ट वीडियोस के अंदर जो है इसको शेयर किया था 6-7 दिन पहले, और आज इसका प्राइस जो है 700 से ऊपर गया है। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अदानी एंटरप्राइज कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, और आगे देखें अदानी विलमार, अंबुजा सीमेंट, इसके अंदर हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग है, NDTV, सांगी इंडस्ट्रीज़, ये भी अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है, कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, सीमेंट की कंपनी है ये। ACC अगर देखें तो उसके अंदर भी तेज़ी है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले तो ये कल की जो रिपोर्ट आई थी उसके पहले तो मायने क्या है ये ज़रा देखें। कल हमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इसके ऊपर जो है और जानकारी दे के ये जो इससे हो क्या सकता है, अदानी एंटरप्राइज जो है वो सेंसेक्स के अंदर जो है शामिल हो सकता है, जो कि 30 शेयर का इंडेक्स होता है। तो इससे क्या हो सकता है, एक तो फंड जो है उनका इन्फ्लो आ सकता है म्यूचुअल फंड का, और क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो हेडलाइन को आप देख सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का आएगा निवेश, IIFL रिसर्च का अनुमान। अब आगे ज़रा देखें तो अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, सबसे पहली बात अदानी एंटरप्राइज, और मैंने कल भी हमने बात की थी कि ये फ्लैगशिप कंपनी, और ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, और ये पहली बार है कि अदानी ग्रुप जो है सेंसेक्स के अंदर शामिल हुआ है। बहुत बड़ा ये मतलब कि इंडेक्स है सेंसेक्स इंडिया का, 30 शेयर ही इसके अंदर शामिल है, उसके अंदर ये अदानी एंटरप्राइज को शामिल होना ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे ग्रुप के ऊपर पड़ सकता है, और आज 1 से 2 दिन कल और आज ये देखने को मिल रहा है। अब इससे जो है होता क्या है वो हम आगे देखते हैं। पहले तो अगर देखें, पहले तो हेडलाइन को देख लेते हैं, जैसे कि ये शुक्रवार को आज ही जो है ये मतलब की घोषणा भी हो सकती है, तो इसके ऊपर भी हम शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे जब ये कुछ न्यूज़ अगर आएगी तो। कि सेंसेक्स में होने वाले बदलाव की घोषणा शुक्रवार यानी कि आज को 24 मई को की जा सकती है। IIFL रिसर्च का कहना है कि अपने जून रिव्यू में अदानी एंटरप्राइज अगर सेंसेक्स में जोड़ा जाता है तो टेक दिग्गज जो ये विप्रो है, विप्रो का शेयर, ये सेंसेक्स से बाहर हो सकता है, अभी वो सेंसेक्स के अंदर है। और सेंसेक्स 30 में अदानी एंटरप्राइज के आने से एक बड़ा निवेश सेंसेक्स में आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड से सेंसेक्स में $118 मिलियन यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है, जबकि विप्रो में जो है 500 करोड़ रुपए की बिकवाली हो सकती है। अब ये तो रही अदानी एंटरप्राइज की बात, अब जो है BSE 100 इंडेक्स के अंदर भी जो है जुड़ेंगे अदानी ग्रुप के 3 शेयर। इसके ऊपर जो है हमने कल बात भले ही की, लेकिन आखिर में हम देखेंगे इसके मायने क्या हो सकते हैं। कि इसके अलावा अपनी 6 माही रिव्यू में BSE 100 इंडेक्स के अंदर जो है 3 कंपनियां कौन सी वो शामिल हो सकती है, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। और आगे हम देखें कि किन किन कंपनियां जो है ये बाहर हो सकती है, तो ये भी आप इसके अंदर ये देख सकते हैं। तो अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंसेक्स के अंदर अगर देखें अदानी एंटरप्राइज अगर इसकी एंट्री हुई है, तो ये भी जो है जो फैसला है काफ़ी रिसर्च करके लिया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यह काफ़ी बड़ी बात है, आगे चलकर इसका फ्यूचर अच्छा रह सकता है। अच्छी कंपनियाँ जो होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अच्छी कंपनियां होती है वो ही जो है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो है उनका शामिल करने का फैसला जो है वो लिया जा सकता है। इसी वजह से जो है इनका अदानी एंटरप्राइज जो कि इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, इनका मतलब कि इसके अंदर शामिल होना यानी कि इसके फ्यूचर के अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, इसका बिजनेस अच्छा रह सकता है, सबसे पहली बात है। और साथ साथ 3 और कंपनियां भी शामिल है जिसके बारे में हमने नाम देखा, और आगे चलकर और भी कुछ कंपनियां जो हो सकती है कि वो भी कुछ दूसरे इंडेक्स के अंदर शामिल होने की जो है खबर आ सकती है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज फ्लैगशिप कंपनी है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां अदानी ग्रुप की 3 टोटल जो है 4 कंपनियां इसकी ग्रुप के अंदर जो है शामिल हुई है, BSE 100 के अंदर 3 और सेंसेक्स के अंदर। तो काफ़ी रिसर्च करके जो है इसके अंदर शामिल किया होगा और उसका फ्यूचर अच्छा रह सकता है, इसी वजह से इसके अंदर अभी ये तेज़ी आ रही है, और ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे अगर देखें, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है अब इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो भी 4 जून को है, तो वो भी नज़दीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर जो है पड़ सकता है, तो अभी से असर देखना शुरू हुआ ऐसा लग रहा है। साथ साथ एक चीज़ है कि पहले इससे पहले के दिनों में जब बाज़ार को ही जो है थोड़ा सा असमंजस में था, बाज़ार कन्फ्यूज़ था कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी गवर्नमेंट आएगी या नहीं,
तो उस वजह से बाजार भी अगर देखें तो नीचे ऊपर चल रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार को भी जो एक अंदाज़ा हो चुका होगा कि कौन सी कंपनी, कौन सी सरकार, कौन सी गवर्नमेंट जो है आ सकती है और कितनी सीटें भी मिल सकती है। अभी अगर देखें तो बाजार इसलिए अभी ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई के ऊपर है निफ्टी की बात करें तो उस वजह से भी इसके अंदर अदानी ग्रुप के अंदर जो है, क्योंकि बाजार के अंदर तेज़ी आई तो इसके अंदर भी तेज़ी आई। और अगर ये जो करंट गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी अगर आती है, मतलब कि करंट गवर्नमेंट वो अगर सत्ता में आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे जो है अदानी ग्रुप के कुछ बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। क्यों, पहले तो रीज़न जानिए कि अदानी ग्रुप का ज़्यादातर बिजनेस जो है इंफ्रा के अंदर है, और इंफ्रा के अंदर तो गवर्नमेंट का जो फोकस है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर गवर्नमेंट बढ़ावा देती है तो वो देश के लिए भी फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि इससे रोज़गार कहीं जो है वो एक नए रोज़गार जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई वस्तुओं की जो है डिमांड बढ़ सकती है, सीमेंट, लोहा, आयरन और सभी अगर बात करें तो। साथ साथ करंट गवर्नमेंट का एक फोकस दूसरा किसके अंदर है, ग्रीन एनर्जी के अंदर, तो अदानी ग्रुप का इसके अंदर भी अच्छा खासा जो है फोकस है ग्रीन एनर्जी के अंदर, और ग्रीन एनर्जी और साथ साथ पावर कंपनी जैसे कि अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अदानी एंटरप्राइज, साथ साथ जो अदानी टोटल गैस है उसके ऊपर भी जो है मतलब कि उसको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी अगर देखें तो क्लीन एनर्जी है, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो क्लीन एनर्जी है, उसके ऊपर भी जो है मतलब कि ये अगर गवर्नमेंट आती है तो उसका भी फायदा इस क्लीन एनर्जी कंपनियों के शेयर के ऊपर भी पड़ सकता है, तो इसके अंदर अदानी टोटल गैस को भी फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर एक एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर क्लीन एनर्जी का यूज़ अगर बढ़ता है तो वो भी जो है एक ना सिर्फ इस देश के लिए लेकिन पूरे एनवायरनमेंट के लिए जो है फ़ायदेमंद रह सकता है, पोल्यूशन मतलब कि कम हो सकता है। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं बाजार को अब जो है एक अंदाज़ा भी जो है लग गया होगा कि कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है, इसी वजह से बाजार लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो अदानी ग्रुप के शेयरों भी जो पहले थोड़े से एक कंसोलिडेशन दौर में थे, अभी इसके अंदर ये तेज़ी की शुरुआत हुई ऐसा लग रहा है, और आगे इसके चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सभी शेयर जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो सकते हैं। आई होप कि आप सबके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। और जिन जिन कंपनियों के अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, जैसे कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी टोटल गैस, अगर दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों की कंपैरिजन की अगर बात करें तो वो भी हम देखेंगे कि उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी अब तक क्यों नहीं आई। वैसे और भी शेयर है जैसे कि अदानी विलमार और भी कुछ, मतलब कि उसके अंदर भी ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ ये जो चार कंपनियां, एक सेंसेक्स के अंदर अदानी एंटरप्राइज और बाकी की तीन कंपनियां बीएससी 100 के अंदर अगर जो है ये आई है, तो उसके अंदर भी हमने बात की कि म्यूचुअल फंड या फिर FIIs या फिर जो फंड्स होते हैं इंडेक्स फंड, उनका इनफ्लो, उनकी खरीदारी इसके अंदर हो सकती है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी भी ये तेज़ी आई है और आगे चलकर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और भी कुछ ग्रुप की कंपनी के अगर बात करें, और भी कुछ शेयर जो है उसके अंदर भी ऐसी खबर आने की संभावना रह सकती है, तुरंत भी आ सकती है, जल्दी भी आ सकती है, थोड़ी सी देर भी लग सकती है मतलब कि, तो उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे आज, कल और परसों सभी ग्रुप 11 के 11 जो कंपनियां उसके ऊपर हो सकेगा तो फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।